दोस्तों मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एन ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये है नवी पर्सनल लोन एप्लीकेशन और इस एप्लीकेशन के माध्यम से मैक्सिमम लोन 5 लाख रुपए ले सकते हैं और आपको मैक्सिमम 36 महीनों का समय दिया जाता है लोन भुगतान करने के लिए। सब कुछ बात करेंगे डिटेल्स में और बहुत सारे लोगों का डिमांड थी इस एप्लीकेशन के बारे में जानने के लिए कि भाई एप्लीकेशन हमारे यहाँ पर रिजेक्ट हो जा रही है, क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये भी आ रही है भाई नैच का प्रोसेस हम नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, यानी कि ई मैंडेट नैच प्रोसेस रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाओ। हालांकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है लेकिन वो वीडियो लोग देख ही नहीं रहे हैं, फिर भी आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हो रही है और आपका रिजेक्ट होने का रीजन क्या हो सकता है, आप नैच प्रोसेस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम टिप्स देने वाले हैं। वीडियो आपके लिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दें, मैंने यहाँ पर कितने का लोन ले रखा था और कब हम यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किए थे। लोन वाले डिटेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ऐसे में यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि 35,000 रुपए का लास्ट टाइम मैंने आपको लोन लेकर दिखाया था। अगर आप हमारे पहले से सब्सक्राइबर होंगे तो इस बारे में अच्छे से पता होगा, जिन्हें नहीं पता वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों ले लीजिए। दोस्तों बात करें पर लोन अमाउंट के बारे में तो 35,000 रुपए का लोन लिया गया था। एनुअल इंटरेस्ट रेट के बारे में यहाँ पर बात करें तो 23.50% यानी एनुअल इंटरेस्ट चार्ज की गई थी। प्रोसेसिंग फी प्लस यहाँ पर GST हमसे जो लिए गए थे 1,033 रुपए। हमारे बैंक खाते में जो भी लोन अमाउंट डिस्बर्समेंट किए गए थे 33,968 रुपए। 24 महीने के लिए लोन लेकर आपको लास्ट टाइम दिखाया गया था। 1,842 रुपए पर मंथ हमें EMI पेमेंट करनी होती है। 25 जून 2020 को ही लोन अप्लाई करके दिखाया गया था जब लॉकडाउन का समय चल रहा था। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है जो कि आपको मैंने यहाँ पर प्रूफ दे दिया। वाकई में एप्लीकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करती है, लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि पूरे भारत में दोस्तों ये लोन सर्व नहीं करती है। दोस्तों यहाँ पर लोगों का प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे ही यहाँ पर इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते रजिस्टर्ड करते अपने मोबाइल नंबर के जरिए से और पैन नंबर डालते ही नाम वगैरह फिलअप करते ही एरिया पिन कोड जैसे ही इंटर किया और सबमिट किया उनकी एप्लीकेशन यहाँ पर रिजेक्ट हो जा रही है। तो पहला रीज़न ये है कि आपकी एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हो रही है वो रिजेक्ट इसलिए हो रही है क्योंकि हो सकता है आपके शहर में लोन सर्विस प्रोवाइड नहीं कराती है। मैंने आपको पहले बता रखा पूरे भारत में लोन सर्विस ये नहीं देती है, मेजर सिटीज़ में ही दोस्तों ये लोन सर्व करती है। और इन्होंने ये भी नहीं बता रखा है कहीं भी कि पर्टिकुलर किस एरिया में लोन सर्विस ये लोन प्रोवाइड करा रही है। पहली चीज़ तो आपने यहाँ पर समझ लिया। दूसरी चीज़, अगर आपके 750 से ऊपर आपके सिविल स्कोर होंगे तब तो आपको लोन की मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। 750 अगर आपकी कम होगी तो भैया ऐसे में अभी आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर रिजेक्ट होने वाली है। मान के चलिए अगर आपकी सिविल स्कोर भी ठीक ठाक है और लेकिन आप जिस लोकेशन में हैं उस लोकेशन में आपको लोन सर्विस नहीं दे रही होगी, लोन प्रोवाइड नहीं करा रही होगी, तो भी आपकी डेफिनेटली आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और नॉर्मली आपको वहाँ पर एप्लीकेशन रिजेक्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही चीज़ें हैं फंडा और उम्मीद करते ये आपके सवालों को जवाब इस वीडियो में देखने को मिल गए होंगे। अब यहाँ पर दूसरे लोग भी ऐसे हैं जो कहते हैं भाई मैंने यहाँ पर सारे प्रोसेस लगभग मैंने कंप्लीट कर लिया है, मुझे इतने के अमाउंट की अप्रूवल मिली है पर मैं यहाँ पर नैच प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है नैच को लेकर। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर स्क्रीन शॉट दे रखा है, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ई मैंडेट डेबिट इनरोलमेंट कन्फर्मेशन। मैंडेट स्टेटस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर फाइल इनके फेल हो जा रहे हैं बार बार। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर फेलर रीजन भी बताया गया है कि जो भी इनके कार्ड है ये अलाउ नहीं करती, इसके वजह से यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। एक नॉर्मल रेगुलर सेविंग अकाउंट की ही आप बैंक अकाउंट यहाँ पर इस्तेमाल करिए, उसी बैंक का डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड का आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आपके यहाँ पर नैच प्रोसेस कंप्लीट होगी। साथ ही साथ आपके मिनिमम अकाउंट बैलेंस होनी चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, तो ही आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी, नैच प्रोसेस कंप्लीट होगा और तभी आप यहाँ पर देख पाएंगे, तभी आपके यहाँ पर अपडेट हो पाएगी मैंडेट स्टेटस। फील्ड की जगह पर आपको यहाँ पर ट्रू देखने को मिलेगा। अगर आप जनधन खाता का इस्तेमाल करते होंगे तो ऐसे में भी आपकी कार्ड यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगी और ना ही कार्ड के जरिए से आप नैच प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। इसीलिए रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करिए, जैसे कि HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए से आप नैच प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अब
फाइनली उन्होंने यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने उनको बताया कि भाई पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए से भी आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं, पर उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा और उन्होंने बताया कि अब यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रही है ये बैंक, ठीक है। अब आप यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक को लिंक नहीं कर सकते, यानी पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए से आप नेच प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। आपको रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करना होगा, उसकी एटीएम कार्ड के जरिए से नेच प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर नेट वेरिफिकेशन के जरिए से भी आपको करना पड़ सकता है। अगर आप नेट वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, यदि आप किसी भी बैंक अकाउंट की नेट बैंकिंग है, तो आप यहाँ पर नेच प्रोसेस उसके जरिए से यूजर आई डी और पासवर्ड के साथ यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं और नेच प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो पेटीएम पेमेंट बैंक यहाँ पर फिलहाल ये भी वर्क नहीं कर रही, यानी सपोर्ट ही नहीं कर रही है। तो रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट होनी चाहिए और आपकी मिनिमम बैलेंस होनी चाहिए, तो ये आप यहाँ पर नेच प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रहा था नवी एप्लीकेशन के बारे में, जिसके मदद से आप घर बैठे 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, वो भी आधार पैन के बेस पे। आपकी सिविल स्कोर 750 से ऊपर होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, ये पूरे भारत में लोन सर्विस प्रोवाइड नहीं करा रहे, और ना ही इन्होंने ये बता रखा है कि पर्टिकुलर किस शहर में लोन सर्विस ये प्रोवाइड करा रहे। अगर पता होता तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर बता दी जाती। हालांकि इसके अलावा कोई भी इनकम प्रूफ के तौर पर जैसे बैंक स्टेटमेंट या फिर सेल स्लिप की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपके दोनों सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर इस एप्लीकेशन द्वारा लोन अप्लाई करना चाहते हैं, लाइव स्टेप प्रोसेस देखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पार्ट एक बार दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।